यूनिटी एड्स अर्निंग करने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक यूनिटी का अकाउंट चाहिए और साथ साथ दूसरा यूनिटी आईडी चाहिए। यूनिटी आईडी से ही आपके एप्लीकेशन में ऐड शो होते हैं, ठीक है। अब यूनिटी आईडी को ही बहुत लोग गेम आईडी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे इजीली बना सकते हो। 2 से 3 मिनट लगता है अकाउंट बनाने में, सिंपल जीमेल से आप बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्रोम में आना है, यानी कि गूगल में आना है, और सर्च करना है यूनिटी एड्स। जैसे आप यूनिटी एड्स सर्च करोगे, आपके सामने मल्टीपल लिंक्स आएंगे, लेकिन आपको सबसे नीचे थोड़ा सा आना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे यूनिटी गेमिंग सर्विसेज लिखा हुआ आ रहा है, उसी पे आपको क्लिक करना है, और ये थोड़ा सा लोड होगा, और फिर आप इजीली अपना अकाउंट बना सकते हो अपने जीमेल से, ठीक है। और आप यूनिटी आईडी भी निकाल पाओगे, और यूनिटी आईडी को ही गेम आईडी बोलते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है क्रिएट अकाउंट का और दूसरा साइन इन, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन पे क्लिक करके डायरेक्ट साइन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको न्यू अकाउंट बनाना है तो क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट अ यूनिटी आईडी, यहाँ पे आपको बोल रहा है ईमेल डालने के लिए, पासवर्ड डालने के लिए, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। आपको इजीली गूगल से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आए, गूगल पे क्लिक किए, और यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो भी ईमेल है आप चुन के डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ईमेल चुनने के बाद देख सकते हैं प्लीज़ अग्री विद द टर्म्स, नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऊपर टिक भी लगा देना है बाई क्लिकिंग कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद यूनिटी हैज़ मेड अपडेट्स, तो ये अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का, ये काफ़ी अपडेट्स आते रहता है यूनिटी का, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है, नहीं तो आप डायरेक्ट एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एक्सेप्ट पे बटन पे, और फिर से ये थोड़ा सा लोड लेगा और आपका फिर सब कुछ रेडी है लगभग, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेट कर ले रहा हूँ, लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि आ चुका है यूनिटी गेमिंग सर्विसेज, वेलकम टू यूनिटी गेमिंग सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड विद यूनिटी गेमिंग सर्विसेज। तो बहुत सारे लोग के साथ दिक्कत ये आता है कि वो अकाउंट नहीं बना पाते। इसके पीछे का कारण ये है कि वो जैसे ही अकाउंट बनता है उनका, वो सीधे मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। वो करते क्या है कि मेन्यू बार में आ जाते हैं, और मेन्यू बार में आने के बाद यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये जब भी आप क्लिक करोगे, ऐसे अकाउंट नहीं बनता, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं गेट स्टार्टेड विद यूनिटी। आपको यूनिटी का प्रोजेक्ट पे क्लिक करके उसको यूनिटी का प्रोजेक्ट बनाना है, या प्रोजेक्ट नेम में आप कुछ भी दे सकते हो, कोई भी नेम नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका कोई एप्लीकेशन का नेम है तो वो भी दे सकते हो, आप अपना नेम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे ऐप 1 नेम से दे दिया, क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हो, और नीचे नो पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। मैंने नो इसीलिए किया क्योंकि ये 13 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये बस आप यूनिटी को बताना होता है, ठीक है। यहाँ पे योर चेंज वॉज सक्सेसफुली एडेड। अब यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपका सब कुछ रेडी हो चुका है, ठीक है। एनालिटिक्स शो हो रहा है, और नीचे यहाँ पे मोनेटाइज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट हो चुका है, आपको यहीं पे आपका यूनिटी आईडी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लोड होता है, और आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। आपको यहाँ पे प्ले स्टोर का मिल जाएगा और साथ साथ ऐप स्टोर दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। यूनिटी मोनेटाइज आ रहा है, नीचे हम लोग को थोड़ा सा आना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। पहले मैं इसको कट कर लूँ, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपको अब प्रोजेक्ट का सेटअप करना होगा। यहाँ पे नीचे देख सकते हो मेडिएशन पार्टनर लिखा हुआ है, और नीचे 3 ऑप्शन आ रहा है यूनिटी मेडिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यूनिटी मेडिएशन मतलब कि आप यूनिटी के साथ दूसरा एड नेटवर्क को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और साथ साथ फिर नीचे लिखा हुआ है आई डोंट प्लान टू यूज़ मेडिएशन ओनली यूनिटी एड्स। इसका मतलब कि आप सिर्फ यूनिटी एड्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा ऐड नहीं, ठीक है। थर्ड पार्टी मेडिएशन भी एक तरह का वही हो गया कि आप दूसरा ऐड को यूज़ करना चाह रहे हो और दूसरे ऐड नेटवर्क से, ठीक है। आपको बेसिकली यहाँ पे बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। आई डोंट प्लान टू यूज़ मेडिएशन नेटवर्क, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो नीचे बटन है उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि डू यू वांट टू यूज़ ऐड सेटिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना प्रोजेक्ट को कैसा, मतलब फ्रेश है या फिर ऑलरेडी कहीं बना हुआ था, ठीक है, कहीं आपने कॉपी किया है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपको नो आई वांट टू स्टार्ट फ्रेश पे क्लिक करना है, और फिर नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लिस्टेड है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर आपका प्ले स्टोर पे लिस्टेड है तो आपको यहाँ पे सबसे पहला वाला ऑप्शन करना है, अगर नहीं है तो दूसरा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन को चुन सकते हैं, माई ऐप इज़ लिस्टेड ऑन द ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, और माई ऐप इज़ नॉट लाइव इन ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, ठीक है। तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन चुन लूँगा, और नीचे ऐड प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा सा लोड हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं आपका यूनिटी आईडी रेडी हो चुका है। यहाँ पे एप्पल वाला जो लोगो आ रहा है ये आपका बेसिकली ऐप स्टोर के लिए है और जो एंड्रॉयड वाला आ रहा है वो प्ले स्टोर के लिए, ठीक है। एक आप समझ सकते हो कि ये आपका गेम आईडी निकल चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे एंड्रॉयड, ठीक है, जो एंड्रॉयड वाला है उसको करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, मेरा कॉपी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिनिश प्रोजेक्ट कर देना है नीचे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कितना इजीली हो चुका है सब कुछ। फिनिश प्रोजेक्ट सेटअप पे मैं अभी क्लिक करूँगा थोड़े दिन में। यहाँ पे देख सकते हो कॉपी सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। यही आपका 7 डिजिट का यूनिटी आईडी है और गेम आईडी पे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोड हो रहा है और आपका यहाँ पे एस्टिमेटेड अर्निंग दिखाएगा, ECPM दिखाएगा, इंप्रेशन दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सब काट देना है, ये आपके लिए नहीं है, ये SDK इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपका एस्टिमेटेड एड रेवेन्यू कितना है, DAU कितना है, DAV कितना है, मतलब ये सब बहुत सारी बात होती है, ये सब ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है मेरे पुराने वीडियो में, ठीक है। तो बस ये रेडी है और कुछ नहीं। और हाँ, अगर आपको एप्लीकेशन चीप प्राइस में चाहिए, कोई भी सेल्फ अर्निंग एप्लीकेशन या फिर ऑडियंस नेटवर्क अर्निंग एप्लीकेशन, ऑडियंस नेटवर्क मतलब वो एप्लीकेशन जो कि आप प्ले स्टोर पर डालते हो, सेल्फ अर्निंग मतलब अपने ही ऐड पर क्लिक कर करके उसमें अर्निंग होता है, कोई भी एप्लीकेशन चाहिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो बिल्कुल चीप प्राइस में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सस्ते प्राइस में। और आपको कॉन्टैक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, कुछ भी क्वेरी है तो आप बात कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।